काफी टाइम लगने वाला इसमें। फॉरेस्ट वाले आजकल जो है कहीं और जगह काम तो कर नहीं पा रहे हैं, क्षेत्रवासियों को बड़ा परेशान किया जा रहा है। कई वर्षों पहले बनाया हुआ था, देख लो हमको ये बर्तन धोने देखने पड़े। ये देखिए दोस्तों चाय, पहाड़ी चाय कढ़ाई में देख सकते हैं आप। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विशाल रावत पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज चलते हैं कहीं एक नई जगह, तो दिखाते हैं आपको आगे ब्लॉग में कहाँ जा रहे हैं हम आज। तो आज मौसम की बात की जाए और धूप भी खिल चुकी है, हल्की धुंध टाइप से धूप क्लियर दिख नहीं पा रही है। तो आजकल गर्मियों में यहाँ से धूप निकलती है और सर्दियों में निकलती है ठीक यहाँ से। तो बने रहिए मेरे साथ। बड़ा प्रणाम। जी चार जी चला तुम नहीं होना। तो हमारे साथ हैं हमारे पंडित जी दिव्यांशु सती जी। तो जय श्री राम। जय श्री राम सती जी। तो चलते हैं आज गांव से ऊपर खिंड के द्वार। अभी हम बताएंगे दर्शकों को हम कहां जा रहे हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा सबको। तो चलते हैं। तो जे दिन माथी पूजन तेन बार खत्म होनी जान। तो ये हमारे गांव का पानी का टैंक, पूरे गांव को यहीं से पानी सप्लाई होता है, देख सकते हैं आप। तो यह है हमारे गांव का दाणी माता का मंदिर, जो कि हमारे गांव के सबसे ऊपरी हिस्से में है। यहां से हमारा गांव देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये बना है हमारे गांव में कठाई, इसमें बात कर रहा था नया पानी का टैंक। पहले पानी की बहुत समस्या हो रही थी गांव में, पूरे गांव को पानी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब लगभग लगभग पानी की कमी दूर हो चुकी है, क्योंकि ये बगल पड़ोसी गांव ग्वाड़ से पानी लाया गया है। तो देख सकते हैं आप ये फूल है। आई भाई तो है 35,000 लीटर का टैंक है, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। दोस्तों हमारे बच्चे कुछ साथी लोग भी आ चुके हैं। दोस्तों इस पड़ाव में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बुरांसी गौई। यहाँ पे एक बुरांस का पेड़ है बहुत बड़ा। यहाँ पे जब कोई भी यहाँ घर गांव से इस रास्ते पे
निकलता है तो यहाँ पे विश्राम करते हैं। तो यह है बुरांसी गौरी और दिखाते हैं इसके बाद भी आगे आगे क्या आपको देखने को मिलता है। हमारे साथ वाले भी चाचा जी लोग वहाँ पीछे से आ रहे हैं और कुछ छोटे भाई लोग आगे निकल गए हैं। मैं तब तक यहाँ पे बैठा हूँ। 6 महीने यहाँ पे जीवन यापन होता है और 6 महीने नीचे गांव में, जब यहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, बर्फ गिरने की संभावना होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस जगह का नाम है भरकंड। तो ऐसे करके इसके छत में ये घास डाला जाता है, सूखा घास। इसके ऊपर से रिंगाल देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें फिर ऊपर से मोमजाम डाला जाता है ताकि पानी लीकेज ना हो सके। तो आगे भी बताते रहेंगे आपको चौका चौका पे। इसके बाद एक और बुग्याल है जो बेडुली नाम से फेमस है, तो दिखाएंगे आपको आगे भी। तो ये देखिए आप, तो यहाँ पे बहुत डर लगती है आने जाने में, हल्का फुल्का अंधेरा होता है। काफी सुनसान जगह है यहाँ पे, जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। मैं और दिव्यांशु पंडित जी जा रहे हैं और आगे से जा रहे हैं चाचा जी लोग। कुछ लोग उससे आगे निकल चुके हैं, लास्ट हम ही हैं। तो मिलते हैं आपको बेडुली बुग्याल में, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे ताऊ जी जो यहीं रहते हैं, अब जा रहे हैं अभी घर, और इनके भैंस है यहाँ पे। तो हम जाएंगे अब ऊपर, देर बाद मिलते हैं आपको। पहुंच चुके हैं अभी बेडुली में। तो यहाँ पे भी कुछ लोग 6 महीने के लिए आते हैं, अपने गाय भैंस बैल। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की गौशालाएं हैं, जो मैं बता रहा था 6 महीने के लिए ताऊ जी लोग यहाँ पे रहते हैं और 6 महीने गांव में रहते हैं। तो हम कुछ लोग अब ये लोग यहाँ पे अपने गौशालाओं में मोमजाम तिरपाल वगैरह डालेंगे और हम जाएंगे ऊपर महादेव के चरणों में वहाँ। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं बेडली बुग्याल में और अब हम जा रहे हैं ऊपर किंडेश्वर महादेव के लिए। तो वहाँ पे जो हम हर वर्ष जाते हैं, तो वहाँ पे जो नई फसल होती है गेहूँ की, जो कटने के बाद जो पहला आटा निकाला जाता है, तो महादेव के लिए चढ़ाया जाता है। गांव में हर एक घर से मेवाग के रूप में एक एक कटोरी जो भी अनाज है इकट्ठा किया जाता है, जिसकी बारी लगी रहती है गांव में, तो वो इकट्ठा करके यहाँ ऊपर शिवालय में आते हैं हर वक्त। देख सकते हैं तो ये है हमारा गांव दिवलदार। तो लगभग लगभग हम पहुंच चुके हैं किंडेश्वर के जस्ट, किंडेश्वर से नीचे पहुंच चुके हैं हम। इसके बाद किंडेश्वर का बुग्याल और शिवालय दिखाया जाएगा आप लोगों को। तो ये वो रास्ता है जहाँ से हम रुद्रनाथ के लिए जाते हैं, ये नीचे देख सकते हैं आप लोग यहाँ से ऊपर। यहाँ से ऊपर सीधे इधर से
हम जाते हैं उधर मूवी खर्क में लुटी बुग्याल पे, उसके बाद सीधे वहां से ऊपर पनार। यहाँ बादल दिख रहे हैं आप लोगों को, तो कभी कभार वहां से भी जाते हैं और कभी कभार इसी रास्ते होकर जाते हैं रुद्रनाथ। तो बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों हम आ चुके हैं अब किंडेश्वर महादेव के बुग्याल में। यहाँ से हमारा बुग्याल स्टार्ट हो जाता है और अब धीरे धीरे करके हम पहुंच गए हैं सब लोग। पहले तो गांव से लगभग बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा है। लोगों का मन नहीं हो रहा है अब आने के लिए। अब सावन के महीने में अखंड रामायण का पाठ होगा, तो उस टाइम पे दिखेंगे आप लोगों को सब लड़के लोग। बाकी चार लोग ये जा रहे हैं, एक मैं हूँ, पांच और छह सात लोग आगे चले गए हैं। तो ये है हमारे गांव के लड़के जो हमसे थोड़ा पहले यहाँ पे पहुँच चुके थे, टॉप में जा रखे हैं यहाँ से। और ये है हमारे गांव की बहन लोग जो भी हमसे पहले आ चुके थे। करतूते हैं देखो क्या स्थिति हो गई है। हमारे भाई साहब बताएंगे आपको। यहाँ पे हम कई सालों से यहाँ पे आके कहीं बना रखा था हमने दरबार में, पर क्या करें, फॉरेस्ट वाले आजकल जो है कहीं और जगह काम तो कर नहीं पा रहे हैं जी। क्षेत्रवासियों को बड़ा परेशान किया जा रहा है। कई वर्षों पहले बनाया हुआ था, देख लो हमको ये बर्तन धोने देखने पड़ रहे हैं, ढूंढने पड़ रहे हैं यहाँ। वही तो, इनको भी संभाल के नहीं रखा उन्होंने। बड़ी समस्या है भगवान, हम तो भगवान के दर्शन में आए, दरबार में आए हैं भोलेनाथ के, पर ये फॉरेस्ट वाले जो भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। अब आप देख लो, देखिए पूरा तोड़ फोड़ कर दिया है यहाँ पे। अब ये एकमात्र सहारा था जब यहाँ पे धार्मिक कार्य होते थे, तो इसके लिए अब क्या करें हम। इसके लिए यहाँ पे लोगों ने हमें साथ वगैरह जो भी बनता था पूरा सत्यानाश कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे बर्तन है प्रसाद वगैरह बनाने के लिए, तो ये भी उन्होंने ढंग से नहीं रखे, अभी हमने निकाले हैं ये, कोई बर्तन तो मिल ही नहीं रहे, ये देख सकते हैं आप। कितनी मेहनत से बनाया था और कैसा बर्बाद करके रख दिया है। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था वन विभाग वालों को, यहाँ पे तो ऐसा कुछ समस्या हो नहीं रही थी इससे। इस शिवालय का एक दृश्य आप मेरे एक संकरा भजन में भी सुन सकते हैं, इसी चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं टाइम निकाल के अगर देखना चाहो तो। दोस्तों तो ये है हमारे गांव का शिवालय किंडेश्वर महादेव, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे विराजमान है हमारे महादेव, देख सकते हैं आप लोग, नंदी महाराज जी। और तो इसकी कैसे उत्पत्ति हुई ये हमारे पंडित जी बताएंगे आपको आगे वीडियो में। और यहाँ पे शानदार सा एक छप्पर निकाला जाता है ऊपर से, तो यहाँ पे बैठकर अखंड रामायण का पाठ किया जाता है, तो देख सकते हैं आप लोग। हर हर महादेव शंभु। तो अभी मैं और गौरी शंकर जा रहे हैं पानी लेने के लिए, यहाँ पे पानी की समस्या है, तो चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये भर रहे हैं पानी यहाँ पे, और ये पानी का स्रोत देख सकते हैं आजकल सूख चुका है और गंदा आ रहा है पानी बहुत। तो यहाँ पे ये है मानस, मयंक, हिमांशु और प्रियांशु। और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या दिख रही है, ऐसे में कैसे होगा, देखिए दोस्तों आशिक ऐसे होते हैं। इसको फोन आ चुका है और ये चले गया है डीप में ऊपर, जहाँ से इसको कोई सुन ना पाए, मुश्किल चले गा रे। काफी टाइम लगने वाला इसमें, एक पूतर वहाँ लगा रखी है। तो दोस्तों आपको बताते हैं हम, एक हमारे गांव का आशिक दोस्तों तो ये है वो आशिक। यहाँ पे हमारे गौरी शंकर जी, गौरी हो रहा है, लगे रहो संघर्ष करो सावा। ये है सक्कर गांव और ये है गंगोल गांव, उसके बाद है गोपेश्वर शहर। इस इलाके का प्रसिद्ध शहर गोपेश्वर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है नीचे गुआड़ गांव और ये उसके ऊपर है उनके गांव वालों की गौशालाएं, जिसको हमारी आम बोली भाषा में मरुड़े भी कहते हैं, मरुड़ा। तो अब धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं शिवालय की ओर, और इससे पहले भी हमारे गांव की कुछ बहनें हमसे पहले आ चुकी थी, तो वो भी उधर शिवालय में है। और अब काफी अच्छा लग रहा है, 20 प्लस लोग लगभग हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आने का अपना एक अलग ही आनंद है, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे बुग्यालों में चारों ओर का वातावरण आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ यह पूरा बुग्याल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे गांव के सब लड़के लोग जब सावन के महीने में अखंड रामायण का पाठ होता है, तो हमारे गांव में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो जितने सोमवार आते हैं सावन के महीने में, तो हर एक मंदिर में अखंड रामायण का पाठ किया जाता है। और जैसे इस साल कोई मंदिर छूट गया तो अगले साल उसमें फिर उसमें किया जाता है। तो ये एक ऐसा शिवालय है हमारे गांव का, जहाँ पे हर वर्ष होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से किनारे किनारे किंडेश्वर महादेव के किनारे किनारे होकर यहाँ इस ऊपर इस टॉप में जाते हैं, और वहाँ से उधर को निकल जाते हैं, और यहाँ से सीधे इधर आप देख सकते हैं, ये है सामने पे पनार बुग्याल, पनार बुग्याल देख सकते हैं। इसके बाद पितृधार आता है, उसके बाद पाचड़ी, और उसके बाद रुद्रनाथ जी के दर्शन होते हैं। तो हम लोग यहाँ से होकर आते हैं जहाँ से। तो दोस्तों ये बननी है चाय, सबसे पहले यहाँ कर चाय बनाई जाती है आग जलाने के बाद। सब लोग बैठे हुए अभी, तो
दोस्तों ये है कौवा, घी उठा कर ले गया यहाँ से। ये यहाँ पे चोर कौवा, ये देखिए दोस्तों चाय, पहाड़ी चाय कढ़ाई में देख सकते हैं आप, स्पेशल गढ़ वाली चाय। तो ये बन रहा है यहाँ पे प्रसाद, दिव्यांशु सती जी बना रहे हैं प्रसाद हमारे पंडित जी। तो रोट की हमेशा एक विशेषता है, यह हमेशा विषम संख्याओं में बनता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे में बनता है। तो इसमें रखेंगे दाल। दोस्तों यहाँ पे है हमारे वन देवियों का एक छोटा सा मंदिर, पंडित जी यहाँ पे भूत धूप अगरबत्ती दिया जला रहे हैं। श्रृंगार कारणी निंद्राम भगवतीम विष्णु रतलाम तीशो प्रभु ब्रह्म वाचा तुम स्वाहा तुम सदा तुम्हें सत्कार सनात्मका सदा तमक्षरी नित्या त्रिधा माता स्थिता अर्धमाता स्था नित्यायान चार विचित्र तुम्हें संध्या सावित्री तुम देवी जननी प्राप्ति यद्धारती देवी तद्मश्यंती सर्वदा विशिष्टो शिष्टि रूपातम स्त्री रूपा च पालने तथा सिंहांत रूपांते जगतस्यो जगन्मयी महाविद्या महामाया। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे हमारे पंडित जी श्री प्रशांत डिमरी जी यहाँ पे बताएंगे कि हम क्यों हर वर्ष यहाँ पे आते हैं। और ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनाम माणिक्यमौलिस्पुरात् तारानायक शेखरा स्मुके मापी न भीक्षोरुहां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचन्द्रोपलं बिभ्रतिं सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्याये परा अंबिकां। आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि गांव की परंपरा अनुसार जब भी कोई नया अनाज कटता है तो यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान शंकर और वन देवियों के आह्वान से उनको भोग चढ़ाया जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब भी हम खेती से जो भी हमें धान हो गेहूं हो जो भी प्राप्त होता है हम उसका एक हिस्सा लेके यहाँ पर आते हैं और माँ वन देवताओं का आह्वान करके उनको भोग खिलाते हैं। जो यहाँ पर किन्नेश्वर महादेव जी हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बताते हैं, ये आप लिंग में यहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई है, किसी के स्वप्न में आए थे हमारे पूर्वजों के तो उन्होंने यहाँ पर खुदाई की तो यहाँ पर भगवान किन्नेश्वर की उत्पत्ति हुई थी। हम लोगों की गांव की जो परंपरा है हम यहाँ पर इनको वन देवी का भी यहाँ पर दर्जा दिया हुआ है। वन देवी मतलब है कि पहाड़ों में जो भी देवियाँ विचरण करती हैं जो भी अधिष्ठात्री देवी हमारी विचरण करती है तो उनके लिए यहाँ पर जो ये कभी भी जैसे हम जब नया अनाज होता है तो पुराने ना जो हम दोबारा खेती करने के लिए बारिश की
अगर अत्यधिक हो, बारिश न हो, तो यहाँ पर वन देवियों के आह्वान कर लिया जाता है और हमारी खेती के लिए बारिश कभी ज़्यादा हो कम हो उसके लिए यहाँ पर हम वन देवियों का आह्वान करते हैं। ये हमारी पुरानी मान्यताओं के अनुसार है और हम भी हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी मनोहरक दृश्य रहा हुआ। यहाँ पर से आप रुद्रनाथ की यात्रा भी कर सकते हैं। पासी में जो पर्वत माना जाता है वो वहाँ पर रुद्रनाथ जी का पर्वत माना जाता है। आप इस रास्ते भी हम गए हुए हैं, स्वयं भी गए हुए हैं, आप लोग भी जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर सुकून मिलता है। यहाँ पर आकर काफ़ी यहाँ पर जो भी है संतल जगह है और सुकून की भूत सुकून यहाँ पर हमें प्राप्त अनुभूति प्राप्त होती है। धन्यवाद। ये नया चावल है और हमारे पंडित जी बना रहे हैं, ये नया चावल और दाल भी लगभग हो चुकी है। दाल भी नहीं माने जाते हैं। ये नए चावल इनमें देखिए गांव से में फूल ये भगवान जी को भोग चढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पे गौर शंकर बना रहे हैं पुआ के लिए। आटा गीला करके ऐसे बनाया जाता है और हमारे छोटे भाई दिव्यांशु सती जी बना रहे हैं चूरमा प्रसाद। हमारे भाई साहब यहाँ पे व्यवस्था बना रहे हैं जो कि यहाँ पे हमारे बर्तन वगैरह हैं उनको रखने के लिए, क्योंकि जहाँ पहले रहते थे वो तो तोड़ दिया है वन विभाग वालों ने। अब यहीं पे रखना पड़ेगा हमको बर्तन वगैरह जो भी है। परेशान आम जनता। जैसे कहा था जो ही प्रसाद ग्रहण करने का टाइम आता है तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। देख सकते हैं आप लोग बारिश। तो दोस्तों पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुका है, प्रसाद ग्रहण करके अब सब लोग जा रहे हैं घर की ओर। नाना तो दोस्तों हर हर महादेव, अब यहाँ के दर्शन कराएंगे आप लोगों को सावन के महीने में जब यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ होगा। तो चलते हैं उधर की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं घर की ओर, हर हर महादेव, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसको रखते हैं इतना ही।